दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। बड़वानी तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत काजलमाता में आदिवासी समाज दहेज के संबंध में बैठक रखी गई, जिसमें समस्त गांव पटेल गांव, डाहला गांव, वारती गांव, कोटवाल गांव, पुजारा व समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य, प्रतिनिधि व समाज जनों ने आदिवासी समाज दहेज प्रथा के विभिन्न विषय सर्वसम्मति से आदिवासी समाज पर अधिक दहेज पर रोक लगाकर दहेज को कम करने सर्वसम्मति से ग्राम में विशेष आदिवासी समाज की बैठक रखी गई थी, जिसमें पूर्व विधायक रमेश पटेल, जनपद पंचायत बड़वानी के अध्यक्ष पप्पू पटेल, पार्टी जनपद अध्यक्ष थान सिंह सस्ते सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता एवं सम्मानजन सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और तलुन खुर्द के सरपंच लोकेश नरगावे भी उपस्थित रहे। आपका? मेरा रमेश पटेल है। ये जो आदिवासी समाज की जो आज बैठक हुई जी, वो किस विषय पे हुई? आज हम जो आदिवासी समाज की जो मीटिंग ली है, इसीलिए लिए कि हमारे समाज में देश बहुत बढ़ चुका है और आज जो मीटिंग जो ली है हमारे पप्पू भाई जनपद अध्यक्ष और पार्टी जनपद अध्यक्ष और सुमार साहब, उन्होंने मिल के आज मीटिंग जो आज हुई हमारी, इसमें 40 गांव जो आए हैं, 40 गांव के प्रस्ताव पारित होगा हुआ कि पहले जो 60,550 रुपये ले रहे थे उसको घटा के 30,050 रुपये का दहेज लेने का किया है, और उसके बाद में 8,000 का जो बकरे का था वो घटा के 6,000 करा है। सांग का जो है 1,08,000 रुपये ले रहे थे पटेल और गांव के लिए, वो हम कर दिए 2,000 रुपये। आज 40 गांव की जो मीटिंग में आज जो हुआ है, सांग के 2,000 ले रहे थे तो उसका कर दिया हमने 1,000। तो हमने जो समाज के मामले में लेके आज जो विचारधारा करी, अगली मीटिंग हमारी पार्टी रहेगी उसमें हमारा ये बिंदु रहेगा कि यही कि जो 40 गांव का प्रस्ताव आया है वही प्रस्ताव हमारे 45 पंचायत 111 गांव पार्टी विकास खंड में आज पार्टी का जनपद अध्यक्ष और सुमर सिंह का भाई मार साहब, उन्होंने तय कर लिया कि हम अगला मीटिंग हम गुरुवार को रखेंगे, ये आने वाला गुरुवार को उसमें तय होगा। उसके बाद में कि हमारे राज्यसभा सांसद सुमर सिंह को, प्रेम सिंह पटेल मंत्री जी को, क्योंकि बारले समाज में आते हैं तो उनको हम सिलावत में आज हमने बोल दिया उनको, भाई कुमार साहब को, कि राज्यसभा सांसद से तारीख ले लेना, क्योंकि आज बता दे क्योंकि उनको रहना बहुत जरूरी, उस समय में हमको हमारे बड़े नेताओं को भी आवश्यकता है क्योंकि समाज सुधारने के लिए, क्योंकि हमारी समाज इधर इधर भटक रही, इनको हमको एकत्रित करना है, इतना ही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कसर सिंह सोलंकी, मैं ग्राम ठाण में रहता हूँ और मैं शासकीय सेवा में हूँ, मैं हाई स्कूल में प्राचार्य हूँ ठाण में। जो आदिवासी समाज के पटेलों की जो बैठक हुई जी, किस विषय में बैठक हुई? आदिवासी समाज में जो आज काजलमाता में जनपद के अध्यक्ष महोदय अपने भाई पप्पू भाई पटेल के नेतृत्व में काजलमाता में बैठक रखी गई, जिसमें आदिवासी समाज के बारेला समाज के समस्त पटेलों, पुजारा, वारती, गांव डहला, चौकीदार, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य और जनप्रतिनिधि जितने भी समाज के हैं सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया था और आदिवासी में जो दहेज चलता है उसके ऊपर बातचीत हुई है। और अगली बैठक दहेज के ऊपर आप कौन से ग्राम पंचायत में ले रहे हैं? आज अभी फिलहाल में मैं बता दूं आपको कि काजलमाता में आज कम से कम 40 गांव के लोगों ने अपना प्रस्ताव रजिस्टर में लिखवा के दे चुके और साइन भी कर दिए हैं, उन्होंने अपना जो प्रस्ताव था वो दे दिए हैं और अगली मीटिंग जो हमारी होने वाली है वो आदिवासी बारेला समाज की पार्टी तहसील की मीटिंग पार्टी में आयोजित होने वाली है, वो हमारी अगले गुरुवार को यानी कि 20 तारीख को पार्टी में होगी। उसके बाद वहाँ प्रस्ताव हम इकट्ठा करके लेंगे और प्रस्ताव के आधार पर हमको सारे पटेलों की राय जानने के बाद हम डिक्लेयर कर देंगे कि कौन सा कितना दे जा समाज के लिए लाभकारी है और हितकारी, ये हम लोग इसमें फाइनल करेंगे।